हेलो व्यूअर, आज के इस सेशन में हम जानेंगे आईपीएल के नवे मैच के बारे में, जो कि केकेआर और आरसीबी के बीच में 6 अप्रैल 2023 को ईडन गार्डन कोलकाता में शाम 7:30 बजे से स्टार्ट हुआ। इस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे विनोद सहसन और वीरेंद्र शर्मा, थर्ड अंपायर थे नितिन मेनन एवं रेफरी के रूप में थे शक्ति सिंह। तो आज के लिए आरसीबी की तरफ से पैप डू प्लेसिस और कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से नीतीश राणा आए। आरसीबी ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस टॉस में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए टॉस जीतना अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने 12वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 89 रन बना लिए थे। शीर्ष क्रम में कोई भी नहीं चल पा रहा था, केवल एक बल्लेबाज गुलबाज जो कि 57 रन बनाए एवं दूसरी ओर कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पा रहा। गति में बदलाव तब आया जब रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर ने आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर सिर्फ 47 गेंदों पर 103 रन बनाए और टीम को कुल 204 रन तक ले गए। रिंकू सिंह ने 46 और ठाकुर ने 68 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले में ही फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली का विकेट खो दिया। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान किया। चक्रवर्ती ने 4 और नरेन ने 2 विकेट लिए। सूयश शर्मा भी 3 विकेट लेकर विकेटों की पार्टी में शामिल हुए। अपनी टीम को बड़ी टीम और 81 रनों के अंतर से हराते देख पूरा ईडन गार्डन शोर से भर गया था। यहां हम दोनों टीमों के स्कोर कार्ड देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से अंत में रिंकू सिंह और शार्दुल ठाकुर ने बड़े शॉट लगाए एवं जबकि डेविड विली ने अच्छी गेंदबाजी की। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बैटिंग स्कोर कार्ड को देखे तो मध्यक्रम रन ही नहीं बना पा रहा था एवं अंत में मेहनत करते हुए हार गए। कोलकाता नाइट राइडर के बॉलिंग स्कोर कार्ड को देखें तो सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एवं सुयेश शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।